आंडमान सागर और संलग्न अंचल में सृष्टि घूर्णी बलय आगामी चारिदिन जाए यार प्रभाव प्रभाव में उत्तर आंडमान सागर पूर्व केन्द्रीय बंगोपसागर संलग्न दक्षिण पूर्व बंगोपसागर में खंड खंड मेघ घनीभूत हो आंडमान निकोबर द्वीप में हाल्का मध्यम धरणर वर्षा नहीं पूर्वानुमान करिछि भारतीय पानीपाग विभाग। अमेरिकार पानीपाग संस्था आक्यूवेदर पानीपाग विज्ञानी जासर निकोल्स पूर्वानुमान करिछन्ति आंडमान और निकोबर द्वीप में दुर्बल लघुचाप सृष्टि होबो तेबे यह प्रभावहीन रहिब दक्षिण ओडिशा रे मध्यम धरणर वर्षा संभावना रहिछि। अन्यपटे डिसेंबर 5 तारीख बेलू बंगोपसागर में आउ एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि संभावना रही पूर्व आसंता सप्ताह दक्षिण चाइना सागर में एक डिप्रेशन किंबा सामुद्रिक झड़ सृष्टि संभाव्य बात्यार अवशिष्टांश डिसेंबर 3 किंबा 4 तारीख में आंडमान सागर में एक घूर्णिबल आकार में प्रवेश कर परवर्ती समय यार प्रभाव में एक लघुचाप सृष्टि बंगोपसागर में आगक बढ़ जासन निकोल्स पूर्वानुमान करिछन्ति तेबे एने भारतीय पानीपाग विभाग पक्ष पूर्वानुमान करा जाय नाही। ए संपर्क में अधिक आलोचना करिबा वर्तमान आम सहित फोन लाइन जोड़ी होती पानीपाग विज्ञानी प्रोफेसर संदीप पटनायक आम सहित सीधा सड़क जोड़ी होती प्रोफेसर पटनायक स्वागत करुछु आपनको कलिंग टीवी को। वर्तमान तो उत्तर आंडमान सागर संलग्न अंचल में घूर्णिबल सृष्टि हो सारी यार गतिविधि किभली हेबो एवं यार रूपरेख किभली हेबो इंटेंसिटी कौन रही पारे प्रोफेसर पटनायक। नमस्कार वर्तमान आमर जो घूर्णिबल क्षेत्र अवस्थिति से आंडमान सागर तत्संलग्न जो केन्द्रीय पूर्व केन्द्रीय बंगोपसागर से अंचल अच्छी से नेक्स्ट 48 घंटा से उत्तर पश्चिम दिगरे मुवमेंट करने को चेष्टा कर किंतु से घनीभूत हो पारिबोनी कारण उत्तर पश्चिम दिगरु प्रबल मात्रा रे आमर शुष्क थंडा वायु आसुची जहाँफल टे थंडा पड़ी तेनालीराम घनीभूत करवा दबनी नेक्स्ट 48 घंटा भितर मत लगुच से डिफ्यूज हो किटा क्लाउडी कंडीशन 28 नवेम्बर रु नहीं कि 1-2 डिसेम्बर पर्यत क्लाउडी कंडीशन रही पारे ओडिशा रे आंध्र रे तमिलनाडु रे सर वर्षा हबो पटनायक क्लाउडी कंडीशन रहबो किंतु 28 रु 2 जहा आपण कहउछन्ति से समय रे वर्षा होई पारे कि लाइट रेन हो पारे मत कहीं लगुनि बेस किसी हम क्लाउडी कंडीशन हवा फल शीतर प्रभाव बर्तमान जो आरंभ हो 26-28 से पुणी कमी जीवो 28 परे शीतर प्रभाव कमी प्रोफेसर पटनायक आज्ञा आज्ञा ओडिशा रे शीतर प्रभाव कमी जीवो जो गोटे सिस्टम फॉर्मेशन हम आम दक्षिण पश्चिम फिलिपाइन सागर 28 तारीख दिन फॉर्मेशन हम आउ से पश्चिम दिगरे गति करिवो पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति करिकी से फिलिपाइन्स वियतनाम थाईलैंड टच करिकी से आंडमान सागर रे भारिवो अराउंड 5 या 6 डिसेंबर रे आ लागु जे टिके घनीभूत भी हबो से सिस्टम रो जो अवधिटा 5-6 रु नेकी अपनकर 12 पर्यंत चालिवो तणो ता परे भी सिस्टम रहिवो तणो बैक टू बैक ए सिस्टम रहिबा फल रे बंगोपसागर सक्रिय रहिबो क्लाउड कंडीशन सृष्टि हबो तेणु शीतर प्रभाव मत लगुनि डिसेंबर 20 पर्यंत भी शीतर बेसी प्रभाव पड़ो तापरे भी शीतर प्रभाव एथर लगुची डिसेंबर जनवरी कम रहला भलिया निश्चित प्रोफेसर पटनायक जिंदी आपण कहउछन्ति बैक टू बैक जो लघुचाप रहउछे तार प्रभाव रे शीतर प्रभाव टिके कम रहइबो ये डिसेंबर 5 बेळकु जो आउ एक लघुचाप सृष्टि हेबो तार संभावना रहिछि येने जो पूर्वानुमान करा जाइछि विभिन्न पाणीपाक संस्था तरफरु जदिबा आमर भारतीय पाणीपाक विभाग तरफरु किछि कहा जाय नाही येने एबेटु कोन कहा जाय पारे प्रोफेसर पटनायक आपण जिंदी कहउछन्ति ये टिके अधिक घनीभूत होइ पारे बात्यार रूप नै पारे कि इंटेंसिटी कोन रहइबो एने किछि भी एबेटु अनुमान करा जाय पारे कि प्रोफेसर पटनायक नहीं गोटे जिन जना पड़ी जे गोटे अवपात कि गभीर अवपात क्षेत्र नेक्स्ट 48 घंटा रे फॉर्मेशन हि जिवो अमर दक्षिण पश्चिम फिलिपाइन सागर रे आउ से पश्चिम उत्तर पश्चिम डायरेक्शन रे से क्रॉस करिवो दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर को आंडामान सागर ई जिनसटा कोन होउछि कि से कोठी लैंडफॉल करूनी किंतु ओशन ऊपर क्रॉस करिके आसुछि जे फिलिपाइन टच करिवो वियतनाम टच करिवो थाईलैंड टच करिवो तेणु जेहेतु लैंडफॉल हो तार तार जो एनर्जी टा जो से बंगोपसागर को आसुची इंटैक्ट होकर रोची तेणु जदि भी सी टे घूर्णिबल क्षेत्र कि टे इंटेन्स घूर्णिबल क्षेत्र आंडमान सागर में 5-6 डिसेंबर एंटर करुची से एंटीसीपेसन लगुची जेहेतु एनर्जी टा थी आउ कंडीशन टिके फेवरेबल अच्छी दक्षिण बंगोपसागर आउ केन्द्रीय बंगोपसागर ताकू टे आउ टे आम्प्लीफाई करदेप चेष्टा कर बात्या हम न हम एबु किसी कही हेनी कि गोटे घूर्णिबल क्षेत्र घनीभूत हबार जो लक्षण सिस्टम रे देखा जाऊँ जो 5 रु नहीं कि अराउंड 11-12 पर्यंत चलला भाया लगुच्छे।